हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी, मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है हर्पेस सिंप्लेक्स। अब ये क्या होता है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो स्किन और म्यूकोजा जो है फेस का उसको अफेक्ट करता है और जेनेटल्स को भी अफेक्ट करता है। तो फिर ये ऑर्गेनिज्म सेम है, अगर ये जेनेटल्स को अफेक्ट करता है तो उसको हर्पेस जेनिटालिया बोल सकते हैं। अभी हर्पेस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन जो है इसको कोल्ड सोर भी बोलते हैं और ये ज्यादा करके लोगों में जिनको इम्यूनिटी कम है, प्रतिकार शक्ति कम है, उनमें दिखाई देता है। इसमें ब्लिस्टर्स आते हैं जिसमें इचिंग और दर्द होता है और लिम्फ नोड्स जो है आजू बाजू के सूज जाते हैं और बुखार आता है। ये जो इन्फेक्शन है ये बार बार होता है कि अक्सर इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से और इम्यूनिटी कम होने की वजह से, जैसा मैंने पहले बताया। ये यूजुअली ये जो ब्लिस्टर्स है ये एक दो हफ्ते के अंदर हील होते हैं। अभी इसका आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर एंटीवायरल दवाई दी जाती है जो हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस के ऊपर काम करती है और उसको इनएक्टिवेट करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है जो लीजन्स है उनको भी हील करते हैं और कंडीशन को क्योर करते हैं। अभी ये एंटीवायरल हर्बल मेडिसिन जो है इनका डबल पर्पज है, ये बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और फर्दर इन्फेक्शन रोकते हैं ताकि दोबारा जो हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसको कम, ये रिकरेंस कम बंद हो जाता है और फुल क्योर हो जाता है। ट्रीटमेंट जो है ये लोकल एप्लीकेशन और ओरल मेडिकेशन दोनों के दोनों तरीके से किया जा सकता है। जो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून स्टेटस वाले जो हैं उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के हिसाब से भी दवाई देनी पड़ती है। अभी हर्पेस सिंप्लेक्स जो है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो अक्सर एचआईवी एड्स के पेशेंट में भी दिखाई देता है। ऐसे सिचुएशन में बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिससे इसका जो ट्रीटमेंट टाइम है बहुत कम हो जाता है और जल्दी से रिलीफ मिलता है। जैसे हर्पेस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन माउथ का जो है इसमें दर्द होता है और खाने में तकलीफ होती है, खाना चबाने में और निगलने में भी तकलीफ होती है। तो लोकल एप्लीकेशन और ओरल मेडिकेशन दोनों भी दिया जाए तो ये 2-3 दिन के अंदर ही इसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है और पेशेंट नॉर्मल तरीके से खा सकता है। तो इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल जो ट्रीटमेंट है ये बहुत यूजफुल है हर्पेस सिंप्लेक्स और हर्पेस जेनिटालिया में ट्रीटमेंट के लिए। इससे ट्रीटमेंट भी होता है, क्योर होता है और रिकरेंस भी है, पूरी तरह से प्रिवेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट हर्पेस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।